अस्सलाम वालेकुम जानिस, कैसे हैं आप सब? मेरे सब हैरियत से होंगे। तो अब हम ध्रुव राठी की जो ब्रेन वॉश वाली वीडियो की, इसको हम थर्ड पार्ट पे रिएक्शन करेंगे। यार चैनल को लाइक ना, अब हमारे आप ज्वाइन करो, सब्सक्राइब कर लो यार, इससे हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती है। तो वीडियो को स्टार्ट किया जाए, लाइक और सब्सक्राइब के साथ। समथिंग और दैट, खुद भी कहते हैं कि स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, वो बीजेपी के फेवरेट हिंदू गुरु हैं। लेकिन आचार्य प्रशांत, जिन्होंने सारे स्क्रिप्चर्स एक्चुअली में पढ़े हुए हैं और आपको वैल्यूज सिखाते हैं जो भगवत गीता में दी गई हैं, उन्हें एंटी हिंदू बनाने की कोशिश की जाती है क्योंकि वो व्हाट्सएप माफिया के एजेंडा के खिलाफ जाते हैं। एरोस्पेस टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, वो सब खोज खोजे निकाल लाते हैं। ये देखो, ये रहा, ये अपमान है। ये मिलता कहाँ से इनको? ये सब कल्पना से मिलता और कहाँ से मिलता है? यूट्यूबर्स का ही एग्जांपल लेकर देख लो। अगर वहाँ एक यूट्यूबर है जो रोज माँ बहन की गालियां देता है, बेटिंग गैम्बलिंग एप्स प्रमोट करता है, हिंदुओं को गुमराह करता है, लेकिन अपने पीछे जय श्री राम लिख कर रखता है, वो परफेक्ट हिंदू बन जाता है वहाँ व्हाट्सएप माफिया के लिए, क्योंकि वो उनका एजेंडा आगे बढ़ा रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर स्वामी विवेकानंद की बात करूँ अपने वीडियोज में, आदि शंकराचार्य की टीचिंग्स आपको समझाऊं, रामायण से जो सीख मिली है उस पर दो डिटेल्ड वीडियोज बनाऊं, भगवत गीता के मैसेजेस आपको पढ़कर सुनाऊं, तो मेरे को ये लोग एंटी हिंदू घोषित करने पर तुले रहते हैं। क्यों? क्योंकि मैं इतने झूठ नहीं बोल, मैं आपको यहाँ कोई गर्व नहीं ऑफर कर रहा जो व्हाट्सएप माफिया इनका कर रहा है। आप लोगों को अपना दिमाग स्विच ऑफ करना इस फर्स्ट डिपार्टमेंट से ही सिखाया जाने लगता है। कहानी आपको सुनाई जाती है ये कहकर कि देखो, हवन से एक्चुअली में ऑक्सीजन रिलीज होती है, एटमॉस्फेयर साफ होती है। गोदी मीडिया के एक चैनल एक बार एक प्रोग्राम चलाया था कि कैसे 10 ग्राम काऊ घी से एक टन ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। इटली के प्रसिद्ध वैज्ञानिक प्रोफेसर जी ई बिगेड ने गोबर के अनेक प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया, एक तोला घी से यज्ञ करने पर एक टन ऑक्सीजन बनता है। हम सब ने स्कूल में पढ़ा था कि कंबशन में ऑक्सीजन यूज होती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, और इम्पार्शियल बर्निंग में कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होती है। लेकिन बार बार ऐसे क्लेम्स उठाए जाते हैं ताकि लोग अपने दिमाग को स्विच ऑफ करना सीख सके। लोगों को कहा जाता है, धर्म की बात हो रही है भाई, हिंदू रिलीजन की बात है, कोई सवाल नहीं कर सकता, जो कहा जा रहा है उस पर यकीन कर लो। ये देखिए कैसे कैसे झूठ फैलाए जाते हैं कि गाय ऑक्सीजन देती है। तो ये है कि इन लोगों ने कोई स्क्रिप्चर्स पढ़े ही नहीं हुए। किसी भी वेद में कहीं लिखा हो कि भाई हवन से ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है या गाय ऑक्सीजन देती है, कोई सबूत नहीं मिलेगा आपको। यहाँ पर ऋग्वेद के पहले श्लोक में ही मेंशन किया गया है हवन का मतलब क्या है। वो एक प्रेयर है जो लॉर्ड अग्नि को ऑफर करी जा रही है। और मैं हवन के खिलाफ नहीं हूँ, मैंने खुद अपनी शादी में हवन कराया था। मैं इस झूठ के खिलाफ हूँ जो आईटी सेल और इनका व्हाट्सएप माफिया फैलाता है लोगों को गुमराह करने के लिए, लोगों के माइंड्स को स्विच ऑफ करने के लिए। ये चाहते हैं कि आप लॉजिकल और साइंटिफिक रीजनिंग अपने दिमाग की बिल्कुल बंद कर दो, क्योंकि उसके बिना इनके जाल में फंसना बहुत मुश्किल है। बहुत सी औरतें अपने पैरों में टोर रिंग्स पहनती हैं। क्यों? क्योंकि एक कल्चरल ट्रेडिशन है हमारा। दुनिया भर में कई और देशों में देखने को मिलता है, जैसे कि अफ्रीका। बड़ी सिंपल सी एक्सप्लेनेशन है, लेकिन इस सिंपल एक्सप्लेनेशन में गर्व की फीलिंग कहाँ है? कोई प्राइड नहीं आ रही। तो व्हाट्सएप माफिया क्या करेगा, आपको इसके हेल्थ बेनिफिट्स गिनाने शुरू कर देगा। ये देखो एक्चुअली में टो रिंग्स पहनने के साइंटिफिक रीजंस क्या होते हैं। दैनिक जागरण से लेकर यूट्यूब चैनल्स पर, इंडिया टुडे पर, जग्गी वासुदेव, हर कोई अपने अलग अलग कारण सुनाता है। सबके पीछे मकसद एक है, आपके अंदर वो गर्व की फीलिंग जगा, वो गर्व की फीलिंग जो रैशनल हिस्टोरिकल एक्सप्लेनेशन से नहीं आने वाली। जग्गी वासुदेव ने अनुपम खेर से बात करते वक्त एक बार कहा था कि आपकी बॉडी पर अगर मेटल को स्ट्रेटेजिक प्लेसेस पर लगाया जाएगा तो आप अपनी बॉडी से एक्सीडेंटली निकल नहीं पाओ। अगर आपके शरीर में कुछ विशेष जगहों पर मेटल हो तो आप गलती से शरीर नहीं छोड़ेंगे। कुछ और व्हाट्सएप मैसेजेस आपको सुनाएंगे कि जो सेकंड टो फिंगर है उस पर एक नर्व हमारे हार्ट से पास करती है जो यूटरस से रिलेटेड है। दैनिक जागरण कहता है इससे वुमेन की फर्टिलिटी बढ़ती है। जिंदगी.com पर लिखा है इससे यूटरिन डिजीजेस और हार्ट रिलेटेड डिजीजेस के चांसेस कम होते हैं। ये कहने कहने को ये भी लिख देते हैं कि साइंटिफिक स्टडीज ने इसे प्रूफ किया है। बताओ जरा कौन सी साइंटिफिक स्टडी ने इसे प्रूफ किया? इंडिया टुडे ने अपने आर्टिकल में छाप रखा है कि इससे यूटरस का ब्लड प्रेशर चेक में रहता है और एक औरत की मेंस्ट्रुअल साइकिल कंट्रोल में रहती है। अपनी हेडिंग में लिखते हैं बेनिफिट्स एज पर वेदास। जरा मुझे बता दो इंडिया टुडे वालों कि किस वेद के कौन से श्लोक में ये चीज लिखी हुई है। कहीं इसका सबूत नहीं मिलेगा आपको, कहीं पर ऐसा नहीं लिखा। किसी भी बच्चे ने अगर क्लास 10th की बायोलॉजी पढ़ी है तो वो जानता होगा कि नर्व्स का नेटवर्क हमारी पूरी बॉडी में फैला हुआ है। इस बात का कोई सेंस ही नहीं है कि एक सेकंड टो फिंगर की नर्व हमारे दिल से गुजर रही हो। लेकिन जो लोग अक्सर इस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का शिकार बनते हैं वो इतने पढ़े लिखे हुए नहीं होते। कुछ लोग होते हैं जिन्होंने पढ़ लिख कर एग्जाम पास किए होते हैं, लेकिन वो पढ़े लिखे लोग अनपढ़ के बराबर ही हैं अगर उन्हें अपनी नॉलेज अप्लाई करनी नहीं आती तो।
एक और ऐसा क्लेम व्हाट्सएप पर फैलाया जाता है कि तिलक लगाने से हमारे फोरहेड की जो ट्राइगेमिनल नर्व होती है वो प्रेस होती है, इससे हमारे साइनसिस क्लियर हो जाते हैं। अब ट्राइगेमिनल नर्व जैसा हैवी शब्द व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को बेवकूफ बनाने के लिए काफी है, लेकिन एक्चुअली में अगर आप डायग्राम देखोगे तो ये जो ट्राइगेमिनल नर्व के एंड पॉइंट्स हैं, ये हमारे माथे पर नहीं है, एक्चुअली में आईब्रोज के ऊपर है, चीक्स पर है और चिन पर है। इस डायग्राम को आप देख सकते हो, और इन पॉइंट्स पर भी प्रेस करने से कोई साइनस क्लियर नहीं होता, ये बिल्कुल बकवास है। असलियत में तिलक लगाना हमारा एक रिलीजियस और कल्चरल ट्रेडिशन है जिसका अपना महत्व है। उद्धर्व पुंड्र तिलक को लेकर वसुदेव उपनिषद में लिखा है, ये तीन लाइनें त्रिमूर्ति की रिमाइंडर है, ब्रह्म विष्णु और महेश, या फिर तीन रियलिटीज माया ब्रह्म और आत्मा। ये एक स्पिरिचुअल रीजन है, एक ट्रेडिशनल रीजन है। अगर आप व्हाट्सएप की बकवास पर यकीन करोगे तो आप उस स्यूडो साइंटिफिक बकवास को असली रीजन मानने लग जाओगे, और ये जो रियल स्पिरिचुअल रीजन है इसे आप इग्नोर कर दोगे। तो एंटी हिंदू मैं नहीं, ये व्हाट्सएप माफिया है सबसे बड़ा एंटी हिंदू, जो सभी हिंदुओं को गुमराह कर रहा है ये झूठी कहानियां सुनाकर। ये लोग साइंस की इतनी बात करते हैं इन व्हाट्सएप मैसेजेस में, लेकिन हमारी सरकार का जो रिसर्च का बजट है उसे देखा है कभी? हर साल हमारे साइंस एंथुजियास्ट और साइंटिस्ट कहते हैं कि इतनी कम एलोकेशन क्यों की जा रही है रिसर्च और डेवलपमेंट पर देश। 2021 में इजराइल ने 5.55% साउथ कोरिया ने 4.93% ऑफ अपना जीडीपी इस पर खर्च किया, लेकिन इंडिया में सिर्फ 0.65% जीडीपी का रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च किया गया। व्हाट्सएप माफिया के जाल में फंसे लोग कभी भी इसकी बात नहीं करेंगे कि हमें रिसर्च पर स्पेंडिंग बढ़ा देनी चाहिए इंडिया, ताकि और चीज़ें रिसर्च कर पाए, हमारे देश में जो साइंटिफिक प्रोग्रेस देखने को मिल रहा है वो इम्प्रूव हो पाए, और जब ऐसा हो तो हम प्राउड फील करें। नहीं, वो लोग ऑलरेडी प्राउड फील कर रहे हैं। पहले की ये फॉर्मेलिटीज हुआ करती थी कि बेटा जमकर मेहनत करो, अच्छे से पढ़ो लिखो, कमाल करो किसी फील्ड में ताकि हम तुम पर गर्व कर सके। अब कहा जाता है नहीं नहीं, इतना लंबा प्रोसेस क्यों, अब तो सीधा दो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के मैसेज आ गए हैं, इधर देखो इन्हें पढ़ो और गर्व करो अपने, इधर बेटा गर्व में उधर बाप गर्व में। कंडीशन केवल एक है कि अपना दिमाग मत लगाना, सवाल मत पूछना, कुछ वेरीफाई मत करना, यहाँ आपको मिलेगा खूब सारा गर्व। इस माफिया के सेकंड, थर्ड और फोर्थ डिपार्टमेंट को गहराई से अगले वीडियोस में समझते हैं दोस्तों, और जब तक हमारा ये पूरा टूर खत्म होगा हम इस माफिया की धजियां उड़ा देंगे। लेकिन बाकी वीडियोस का ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी से ही हम अपना काम शुरू कर देते हैं दोस्तों। आइए साथ में मिलकर इस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की ईंट से ईंट बजाते हैं। मैंने सुना है कि बीजेपी आईटी सेल में करीब 10,000 के आसपास लोग हैं जो इस पूरे माफिया को चला रहे हैं, लेकिन हम लोग दोस्तों साथ में मिलकर 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग हैं। बीजेपी आईटी सेल वाले तो मजदूरी के लिए काम करते हैं, कुछ चंद पैसों के लिए, लेकिन हम लोग ये काम करते हैं क्योंकि हमें भारत माता से प्यार है। हम लोग अपने देश के लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं और अपने देशवासियों को इस ब्रेन वॉश से बचाना चाहते हैं। इसलिए सीधा सीधा प्लान है दोस्तों, स्टेप वन, मेरे व्हाट्सएप चैनल को जाकर ज्वाइन करो, ये क्यूआर कोड है, स्कैन कर सकते हो इसे, या इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ज्वाइन करने के बाद बेल आइकन पर जरूर दबाना ताकि जब भी मैं व्हाट्सएप मैसेज भेजूं आपको मैसेज मिल जाए। स्टेप टू, हर रोज के मैं 1 या 2 मैसेजेस इसमें भेजूंगा और आप सारे 1.5 करोड़ लोग 100-100 कॉन्टैक्ट्स को अपने इन मैसेजेस को फॉरवर्ड करना। हम 1 करोड़ लोग मिलकर मिशन 100 करोड़ अचीव करेंगे। इनके माफिया के जो कुछ हजार मैसेजेस व्हाट्सएप पर सर्कुलेट करते रहते हैं, हम 1 करोड़ लोग मिलकर हर दिन के 100 करोड़ मैसेजेस सर्कुलेट करेंगे। हम ऐसी आंधी लेकर आएंगे कि इनके व्हाट्सएप माफिया का नामो निशान मिट जाएगा अगले 1 महीने में। स्टेप 3, अगर मेरे यूट्यूब या व्हाट्सएप चैनल को ये लोग हटाने की कोशिश करते हैं तो बैकअप के तौर पर मेरी iOS और Android ऐप स्टोर्स पर एक ऐप है, ध्रुव राठी ऐप है, इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसे बैकअप के तौर पर डाउनलोड करो ताकि मैं आप तक हमेशा संदेश पहुंचा पाऊं। ये ऐप अपने आप में एक व्हाट्सएप चैनल की तरह काम करेगी, जहां पर मैं मैसेजेस भेजूंगा और आप उन मैसेजेस को सीधा फॉरवर्ड कर सकते हो अपने व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट्स। स्टेप 4, आप लोग भी कैमरा उठाओ और 1-1 मिनट के शॉर्ट वीडियोस बनाने शुरू करो उनके झूठ पकड़ते हुए। मैं अकेले 1 हफ्ते में कितने वीडियोस बना सकता हूँ इसकी लिमिट है, लेकिन अगर आप लोग भी इस काम पर लग गए तो इनके झूठों की फैक्ट्री पूरी तरीके से खत्म की जा सकती। अपने वीडियोस को इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स या ट्विटर पर अपलोड करो, हैशटैग इस्तेमाल करो मिशन 100 करोड़। इस हैशटैग के जरिए मैं आपके वीडियोस को ढूंढ पाऊंगा और आपके भी वीडियोस को अपने व्हाट्सएप चैनल में शेयर करूंगा ताकि चारों तरफ हम तहलका मचा दें। और स्टेप 5, वोट करना मत भूलना, वोट करना बहुत जरूरी है। अब समय आ गया है दोस्तों देश के सारे 100 करोड़ वोटर्स तक पहुंचने का, संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ का संदेश देश के कोने कोने तक पहुंचाने का।
अब समय आ गया है दोस्तों देश के लोगों को मानसिक गुलामी से आजादी दिलाने का। ये सब करते समय याद रखना नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, महात्मा गांधी जी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को। याद रखना कि देश के लोकतंत्र को बचाना हमारा धर्म है। जय हिंद। जब लोग वीडियोस बना रहे होते हैं ना, उनको ये खतरा होता है यार कि हमारे चैनल को खत्म कर देंगे, हमारे व्हाट्सएप चैनल को खत्म कर देंगे, ETC हर चीज को खत्म कर देंगे यार। फिर वो इंसान कैसे वीडियो बनाए यार, क्या करे यार, वो हर एक चीज न्यूज मिल सके। तो वीडियो होती है यहाँ पर खत्म, तो कमेंट में आप मुझे लाजमी जरूर बताइएगा कि मैं नेक्स्ट किस पार्ट पे रिएक्शन करूँ, किस पे नहीं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। लव फ्रॉम पाकिस्तान।